नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं आपके लिए लाया हूँ सुपर बूफर। ठीक है, तो देखने वाला आपको पता चल गया होगा कि ये किस चीज़ का बूफर है। ये हमें एलजी टीवी में सेल निकाला है और हम इसमें क्या क्या चीज़ यूज करने वाले हैं वो पहले हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, बस इतने से ही आइटम इसमें लगेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले देख लेते हैं। ये वायर है, ये हमने ट्विटर लिया है और ये ब्लूटूथ पैनल है। ये हमें स्विच ऑन ऑफ ट्रांसफार्मर 12012, ये देखिए 12012 है। और ये 30-20 ट्रांजिस्टर वाला है जो कि होम थिएटर में यूज होता है। इस सुपर बूफर में हम कहाँ क्या लगाना है ये देख लें। इस तरह से हम लगाएंगे, इसमें कटिंग करके। तो आइए इसे हम पहले खोल लें। ये हमें एलजी टीवी में लगा हुआ था तो हमने इसे सोचा क्यों ना हम इसका यूज कर लें, क्योंकि अब पुराने वाले टीवी तो अब उतना देखने में आ नहीं रहा है। तो आइए इसे पहले खोलते हैं। इसमें एक बूफर लगा हुआ था जो कि करीब करीब 5.5 इंच के आसपास का है और हमने एक और इसमें लगा दिया है बूफर जो कि सेम साइज का है, 5.14 इंच का है। तो देखिए इस तरह से आप ब्लूटूथ पैनल को सेट कर लें। ये ऑन ऑफ स्विच, ये ब्लूटूथ पैनल इस तरह से लगा। नीचे हम दो वॉल्यूम लगाएंगे, एक के वॉल्यूम होगा, दूसरा मास्टर होगा, दोनों लगेगा। ठीक, और एक ऊपर हम एक ट्यूटर लगाएंगे। तो कम लागत में हम होम थिएटर का मजा उठा सकते हैं इससे। दोस्तों ये एलजी टीवी के ऊपर बूफर लगा हुआ देता है, वही सुपर बूफर है। हम इसमें एक और बूफर लगाए हैं तो जिसमें दो बूफर हो गया, दो चैनल के लिए एक ट्यूटर हो गया। देखिए अभी से हम इसमें एडजस्ट करेंगे कहाँ पे क्या लगाना है। अगर आपके पास हो तो आप भी बना सकते हैं और इसे अपने तरह से एडजस्ट इसमें कर सकते हैं। तो हम इसी तरह के वीडियो बहुत लाते रहेंगे। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा वीडियो जो होता है वो 100% मतलब वैसे के लिए होता है जो इसके बारे में हल्का फुल्का जानते हों। इस तरह से हमने सेट कर लिया है। ये ट्विटर है, एक हम स्पीकर की तरह यूज करेंगे, एक बूफर यूज करेंगे। आपको अपने अनुसार ही इसमें सेटिंग करने होंगे ताकि ऊपर वाला ढक्कन लग जाए। ठीक है, तो हमने उसी तरह
एडजस्ट किया है इसमें, क्योंकि फिर इसके पीछे वाला ढक्कन लगाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए अपना देख के एडजस्ट करें। ये हमने एक वायर निकाल रखा है एफएम के लिए, तो आइए इसे हम कस लेते हैं। हमने इसे पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको लग रहा होगा कि इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, तो आप जब इस बीच का जो होम थिएटर का जो सर्किट जो पिक लेंगे ना, तो उसमें सब वायर निकला हुआ रहता है और सब पे लिखा हुआ रहता है कि वॉल्यूम है, ये बास है, ये स्पीकर का है, ये बूफर का है, ये ट्यूटर का है। आप देख देख के तीन वायर रहेंगे 12012 के, आप उससे कनेक्ट आसानी से कर लेंगे, ठीक है, उसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आइए, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब इसे हम चेक करते हैं। देखिए इसका आवाज कैसा है, ठीक है। हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें मैसेज करें, ठीक है, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को से दबाना ना भूलें, ठीक है। ये आपके घर के लिए बहुत अच्छा है आइटम है, जो कि आप खुद ही बना सकते हो। आइए अब हम ऐसा तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।